एक्शन। अरे बंदूक तो सही से पकड़ना यार। एक्शन। एक मिनट, तुमने कॉल किया था पुलिस को? जी मैंने कॉल किया था। काहे झूठी झूठी कहानियां बनाकर पुलिस का समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों ये बेहुदा मजाक किया फिर से तुमने? क्यों कॉल किया? झूठी कहानियां? मैडम क्या बोल रहे हैं आप, मैंने कब बोला? अच्छा तो तुमने कॉल नहीं किया पुलिस को? तुमने कॉल करके ये नहीं बताया कि शूटिंग चल रही है, बंदूक चल रही है, धमाके हो रहे हैं, शूटिंग हुआ जा रहा है, ये सब नहीं बोला? अरे तो इसमें झूठ क्या है, शूटिंग हो रही है। ये देखिए हम अपनी शॉर्ट मूवी शूट कर रहे हैं, बंदूक तो बंदूक की शूटिंग हो रही है मार्केट में। और वो दिखा दिखा दिखा, ये देखिए नकली गोलियां चल रही हैं, नकली नकली धमाके हो रहे हैं। हाँ तो अब आप ही सुन के गलत समझे तो इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? फिर कहते हैं कि करिश्मा सिंह अपना संयम नहीं रख पाती है। क्या है ना, लातों के भूतों को बांसुरी सुनाई नहीं आता है। पिछली बार का डोज लगता कम रह गया था तुम्हारे लिए, अब इस बार तुमको बताते हैं कि पुलिस से मजाक करने का अंजाम क्या होता है। डोंट डू दिस, दोबारा ये गलती मत करना, पहले से ही मुसीबत में हो और कल पब्लिकली माफी भी मांगनी है। अगर दोबारा थप्पड़ मारा तो वर्दी उतरेगी आपकी हमेशा के लिए और एक वीडियो जाएगा मीडिया में और आपके पुलिस करियर का फुल स्टॉप। पूरा मजा ही खराब कर दिया, चलो कहीं और शूटिंग करते हैं। चलो चलो। फिर से प्रैंक कॉल किया और आपको धमकी दी कि आपकी नौकरी चली जाएगी? करेंगे ना मैडम सर, हिम्मत जो बढ़ गया है उनका, गलत बात को रोका ना जाए तो वो बढ़ता ही है। ये जो कुछ भी हुआ ना, नमूनों को एक बात का यकीन हो गया कि वो जितना मर्जी टोपागिरी कर ले कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अब जो खूटे से उखड़े ना बैल हो गए हैं वो। अगर समाज ने हमारे हाथ नहीं रोके होते ना तो ऐसे बैल के नाक में नकेल डालना बहुत अच्छे से आता है। अच्छा क्या करती हैं आप, जाकर फिर से मारपीट करेंगी? जो सिचुएशन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है उसे और खराब करेंगी? वो पहले ही आपसे माफी मांगने के लिए कह चुके हैं, अगर आप जाकर मारपीट करेंगे तो सोचिए क्या होगा। तो क्या करें मैडम सर, हम हाथ पे हाथ रख के खड़े रहे, हमारी आंखों के सामने इतना गलत हो रहा है उसे चुपचाप सहते रहे। हमें ये वर्दी प्रेस करके घर में अलमारी के अंदर टांगने के लिए नहीं मिला है, हमें ये वर्दी समाज की रक्षा करने के लिए मिला है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिला है, जो समाज और सिस्टम हमें करने ही नहीं दे रहा है। ये सड़क छाप टोपा लोग हमारी वर्दी को चैलेंज करते हैं और हम चुपचाप सहते रहते हैं क्योंकि हमारी सीनियर ने डेमोक्रेसी के नाम पर हमारे हाथ ऐसे बांध रखे। मैडम सर जो कुछ भी हुआ है ना सब जानते हैं उसमें किसका गलती है, फिर हम कहे जा रहे हैं माफी मांग? हम नहीं माफी मांगेंगे, हमें माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। हम उनका गुनाह पूरी दुनिया के सामने लाएंगे, उनसे उनके गुनाहों का कन्फेशन निकलवाएंगे। कैसे करेंगे क्या करेंगे हम नहीं जानते, पर यह जरूर करेंगे। और फिर माफी मांगेंगे वो लोग, वो भी पूरी दुनिया के सामने, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से। मेरे पास एक रॉकेट आइडिया होता, तुम तो मैडम सर ये इसने हमारी इज्जत की फजीहत कर रखी है, इसके वजह से ये हुआ है, ये सब लंका लगा दी इसने हमारी इज्जत की। तुम्हारा आइडिया नहीं चाहिए, तुम्हारा एक और एहसान हमें नहीं चाहिए, तुम चुप रहो। मेरे वजह से ये सब प्रॉब्लम होता, आई एम गिल्टी, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू हेल्प। वन चांस, तुमको सुनाई नहीं आया? मना किया ना तो चुप रहो। सुन तो ले वो क्या कह रही है, एक बार सुन तो ले उसका आइडिया। हाँ बोलो क्या सोचा है तुमने? वही जो मैं कर सकता, मैं हीरोइन, मैं हॉट, मैं ड्रामा क्वीन, मैं ब्यूटी क्वीन। आगे क्यूट। तो बहुत बार मैं अपना हुस्न के जलवे से विलन का ब्रेन वॉश करके, ब्रेन कैप्चर करके कन्फेस करा था, यहाँ भी मैं वही करता। ओ हेलो मैडम, तुम्हारा पिक्चर नहीं है ये, ठीक है ना? पिक्चर हो या रियल लाइफ, मैं तो वही है ना। मेरे हुस्न के जलवे से आज तक कोई नहीं बचा होता, वो भी नहीं बचता। तुमको नमूना देखना होता। देखना का है, नमूना तो सामने खड़ा है। वन सेकेंड, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज योर एटीएम पिन नंबर? थ्री एट नाइन सिक्स। आइयो देख देख
देखा सन। एस्किस, मुझे भी पिन नंबर पूछो। हम पूछे नहीं, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। देखो मैं इसको करके दिया ना, मैं उसको भी करके देता, मैं कन्फेशन लाता, वन चांस, मैं डिसअपॉइंट नहीं करता। ट्राई करके देखो, हो सकता है बात बन जाए। नहीं नहीं मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? ये दुनिया की नजरों में ये करिश्मा सिंह है, और करिश्मा सिंह ऐसी घटिया वाहियात हरकत कभी नहीं करेगी। पता है अगर की होती ना तो आज हम पोते पोतियों के लिए यूं तरस नहीं रहे होते। हमारा लल्ला कब का बाप और हम दादी बन गए होते। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए, अब क्या बताएं। और वैसे भी जो करता वो मैं ही करता ना, तुम क्यों वारी करता? करी कोशिश करी। हेलो कौन? नहीं पहचाना? नहीं, हूज दिस? हम करिश्मा, तुम चाहो तो मुझे कैरी बुला सकते हो। कैरी? बोलिए, क्यों फोन किया? मिलना था। क्यों? सॉरी बोलना था, अकेले में। अकेले में क्यों? लोगों के सामने बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अब लोगों के सामने तुमने थप्पड़ मारा है तो लोगों के सामने तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। हमें लगा कि अकेले में सॉरी सुन के तुम और हैप्पी होता, और किसी रेस्टोरेंट में मिलने का रोमांच ही अलग होता। क्या तुम ये सॉरी थोड़ा और क्लोज होके नहीं सुनना चाहते? बोलो बोलो, तुमको मंजूर? ओके, यू डोंट अंडरस्टैंड, हम रखता। अरे नहीं नहीं नहीं, कल मिलते हैं ना, कल 10 बजे फर्स्ट फाइन देन डाइन रेस्टोरेंट में। अकेले? हाँ बिल्कुल अकेले। ओके बाय, सी यू। वाह करीना, क्या बात है, ये तो काम कर गया। कैसी था? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ना। मतलब ये फुलझड़ी जो है वो केस सॉल्व करेगी, और हम यहाँ बैठ के क्या करें? भुट्टे क्यों बुने? हाँ मूंगफली भी बेच सकते ना तुम। वही तो अबे क्या बात कर रहा है तू, साफत से अकेले मिलने जा रहा है? अब आफत ने खुद ही बुलाया तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। अबे पुलिस वाली है, उसके साथ में लड़की भी तो है, ऊपर से इतनी खूबसूरत और हॉट। चल ठीक है यार, पर प्लीज बी केयरफुल, नो लूज टॉक, नो पर्सनल रायता, और कुछ भी कॉन्फेस मत करना। लड़की है पर उससे पहले पुलिस वाली है, ये उसका कोई गेम भी हो सकता है। बच्चा समझा क्या? कुछ नहीं होगा, चल बाय बाय। चल ठीक है यार, संभालना, बाकी कुछ भी गड़बड़ हो तो कॉल करना। हाँ ठीक है, गुड नाइट ब्रो। पता नहीं कल क्या होगा संतु जी, करीना जी ना फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्या पता, शायद सच उगलवाने में वो कामयाब हो जाए। हाँ आज तो यही है। आइए। हैं? ये घर में अंधेरा कहाँ है, बिजली गया हुआ है का? दोनों की चप्पलों की आवाज आ रही थी, कशमश कुशमश। मम्मी देखिए बुआ ऐसे ही अंधेरा करके पढ़ती है, क्या करे हम इनका। लाइट चालू कर। देखिए पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। कौन है? अरे फुआ, हम है फुआ। ऐसे पूरा घर में अंधेरा काहे की हो तुम? आ गए तुम? हाँ। कि वार ठीक से बंद किया था? हाँ लगाए तो है, क्या हुआ? कहीं से भी आ सकती है। कौन? बिल्ली। बुटबक। बहुत मत छोड़िए फुआ, ही बताइए कि आप पूरा घर में अंधेरा करके काहे बैठी हुई थी? किताब का शीर्षक कहा है? अंधेरे का रहस्य। शाबाश चतुर है, खाली शीर्षक ही तो पढ़ी हूँ। तुम्हें कहाँ पता अंधेरे में पढ़ने का मजा, बैठो। बक्सी भैया कहते हैं अंधेरों के रहस्य पढ़े जाते हैं बस अंधेरे में। हाँ, बक्सी भैया।
उनको खूब पढ़ती है बुआ, तो उनको मुंह बोला भाई भी मान चुकी है। और जब से उनको मुंह बोला भाई मानी है ना, तब से उनके बारे में इनके मुंह से कुछ भी निकलते रहता है। बकबक मत कर, पति कहाँ है? आपके पति, आपको पता होगा। बकबक, तुम्हारे पति कहाँ है? तुम दोनों साथ में रहते ना यहाँ? मचा कर रही है। पति पत्नी लोग हैं, लोग तो मिलजुल कर ही रहेगा ना, ऐसे मतलब अकेले अकेले कैसे रहेगा? लोग मिलजुल के ही रहते हैं पति के साथ। तो है कहाँ? इनके जो पति हैं चंपक चिरौंदिया जी, वो मर्चेंट नेवी ऑफिसर है और अभी ना जहाज पर है। कब आएंगे? दो चार दिन में ही हमको बताई है सन भाभी जी। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब इनके पति से ही मिलके जाएंगे। कहा है, कैसे इनके पति से मिल लीजिएगा आप? हुआ क्या, बौरा क्यों रहे हो? नहीं मतलब बाप रे बाप, हमको लगता था ना कि आपका यादाश्त बहुत तेज है, लेकिन फुआ आपका यादाश्त कमजोर हो गया है। आप भूल गए ना बुआ, आप हमसे बोली थी कि आप कल जाने वाली हैं। ना ना, भूले नहीं है, बिल्कुल याद है, हम बोले थे हम जाएंगे, लेकिन मन कर रहा है हम रुक जाएंगे। बक्सी भैया हमेशा कहते हैं, जिंदा आदमी और लाश इसमें यही अंतर है, जिंदा आदमी अपने मन की कर सकता है, लाश नहीं। बक्सी भैया तू क्या देख रहा है, कोई दिक्कत है? क्या बात कर रही है, हमको क्या समस्या होगा बुआ, हमको तो अच्छा लगेगा जितना दिन आप इस घर में रहिएगा, ये आपका घर है भाई, जब तक रहना रहिए। चलो अच्छा है, अब मिलके ही जाएंगे चंपक चिड़िया से। चिरौंडिया? हाँ, चिरौंडिया चिड़िया एक ही तो है। ए, तू क्यों चिड़िया है? नहीं बुआ। नहीं नहीं, अच्छा है। चंपक चिरौंडिया, सॉरी संतु जी, सॉरी बुआ, संतु जी चित्तेश्वर आ गए आ गए। बताइए संतु जी, केस सॉल्व करने के लिए यही बजट मिला है हम लोग को, कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट में बैठ कर भी चिप्स ही खा पा रहे हैं हम लोग। चिप्स छोड़, पहले ये बता चंपक चिरौंडिया कहाँ से लेकर आएगा, किसको बनाएगा मेरा पति? ये टेंशन तो हमको अलग से खाया जा रहा है संतु जी, समझ में नहीं आ रहा है कि 2 दिन में चंपक चिरौंडिया कहाँ से पैदा कर दे। ये ना बोलने से पहले सोचना चाहिए था जीते, और चंपक चिरौंडिया का नाम क्या रखा तुमने, दूसरा बोल देता कुछ। पता नहीं संतु जी कैसे हमारे मुंह से निकल गया, बचपन में हमारा एक दोस्त था चंपक चिरौंडिया, बुआ को देख के पता नहीं पिछला क्या था, भक्त से मुंह से उसका नाम निकल गया। तूने झूठ बोला ना, तू संभाल। संभाल तो लेंगे संतु जी, करीना जी भी नहीं आई अभी तक। ओह, करीना जी भी नहीं आई अब तक? हाँ देखा मैंने, आज तक मुझे तूने अपना बैंक अकाउंट के बारे में भी नहीं बताया, और उसको एटीएम पिन बता दी। सम्मोहित हो गए थे संतु जी हमको। देखो नहीं, काम कर, सामने जाके बैठ जाओ उसके साथ। है मेरे लिए तो तुमने चंपक चिरौंडिया ढूंढ रहा है ना, हाँ चलिए ना, बुआ से बात करो शादी के लिए, कर लेती हूँ। हाय हाय हाय, कैसे लगता माई? बहुत सुंदर भैया। हाँ पहुंच गया ऑलमोस्ट। हाँ तो अभी रेस्टोरेंट में सीधा मत जाइयो, ठीक है, वेट करने दे उसे थोड़ा, नहीं तो टाइम पे पहुंच जाओ तो इन लड़कियों को लगता है कि बस इनसे मिलने के लिए लड़का मरा जा रहा है। अरे मरा तो जा रहा हूँ यार मिलने को। अबे तो उसको क्यों बताना कि तू मरा जा रहा है, समझता नहीं है यार, थोड़ी अकड़ भी जरूरी है, एटीट्यूड, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं आजकल। हाँ समझ गया, चल रख। ठीक है
अपने पुलिस वाली जीप से सायरन बजाते हुए वाँ 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 करके आ रही होती है। फिर आते ही सामने एक बाइक से एक लड़का आता है, वो सामने लगा देता है। आप गुस्से के मारे जीप से उतरती हैं और पास में जाती हैं आके। लड़का भी उतर कर किसी भी आपके पास आ रहा होता है, आता है और फिर आप अपनी गन निकालती हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो करीना के साथ होना चाहिए था। एक मिनट, तुम जाता मैं आता। शॉर्ट एडिया चल दिया है ना जी। तुम यहाँ हम रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे ना? जी जी, वो शूटिंग चल रहा है ना तो राउंड के लिए आना पड़ता है यहाँ पे, ऊपर से ऑर्डर मिलता है। अच्छा, आप नहीं गए, आप भी जाने वाले थे ना रेस्टोरेंट में, हमें लगा आप वहीं वेट कर रहे होंगे, वहीं आ रहे थे। मैं उधर ही जा रहा था। हाँ तो आप जाइए, हम आते हैं। नहीं नहीं, साथ चलते ना हम तो। हाँ मुसीबत है, हमें भी यहीं टकराना था, अब कैसे जान छुड़ा है इससे। कहाँ रह गया ये अमर, अब तक तो आ जाना चाहिए ना। मैं भी उसका वेट ही करता, मैं इतना मेकअप किया, कितना ब्यूटीफुल लगता, इतना मेहनत किया, मैं ये वेस्ट नहीं होने देता। मैं कन्फेशन लेके ही रहता, मैं इसको कॉल करता। अच्छा एक जरूरी हमें कॉल करना था, एक मिनट। हाँ हमें ही करना है तो हम तो यहीं हैं, कॉल करने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, वो हम कॉल नहीं कर रहे हैं, वो हमारा जो फोन है ना वो चोरी हो गया ना। आजकल ये सब बहुत चल रहा है कि किसी का भी फोन कहीं से भी चोरी हो रहा है, कहीं कोई भी चोरी कर ले रहे हैं ना, तो हमारा भी कर लिया कि पक्का वो चोर का फोन है। लाई दीजिए इसकी, इसको तो हम बताते हैं। हाँ मैं तुम्हारी मैया की सासू मैया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ भाई, तुमने हमारा फोन चोरी किया, तुम्हें पता भी हम कौन है? अब जहां तक भागना है भाग लो, हम पकड़ ही लेंगे तुम्हें। पुलिस वालों का भी फोन चोरी हो करने लग गए लोग। हाँ, आज अब जाइए, हम आते हैं। नहीं हम साथ चलते हैं ना। हमें क्या लग रहा है कि हमें किसी और जगह पे जाना चाहिए, यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अरे नहीं, क्या बात कर रही है, यहाँ का टेस्ट और सर्विस सबसे बेस्ट है, ट्रस्ट मी। और हम पहली बार भी तो यहीं मिले थे, और हमारा यहाँ क्रेडिट भी तो चलता है। उम्मीद है करीना यहाँ से निकल गई होगी। कितना टाइम लगता, कब से ऑर्डर दिया, लेकर आओ जी। भागी भागी। तो क्या लेंगे आप, कुछ ऑर्डर करें? हाँ आप ऑर्डर में। मैम इतनी जल्दी आप यूनिफॉर्म में? अरे भैया पुलिस वाले हैं तो यूनिफॉर्म ना पहनेंगे तो क्या पोस्टमैन बन के आएंगे? सॉरी मैम। ये सब क्या है, ये पाव नहीं खाते हैं हम, गजब के अंतर्यामी हैं भाई साहब। अभी आके बैठे भी नहीं है और आपको पता चल गया कि हम क्या खाने वाले हैं, और लेकर भी आ गए हैं। लेके जाइए, अब जो हम ऑर्डर देंगे वो लेकर आइए, ठीक है? हाँ अभी लेके जाइए। जय हिंद। जय हिंद। क्या हुआ करीना, सब ठीक है, सब सही चल रहा है? सही तो तब चलता ना जब करिया माँ मुझे कुछ करने देता, करिया माँ अमर के साथ मेरे से पहले यहाँ पहुंचता। क्या? मैं इतना अच्छे से तैयार हुआ, मैं कन्फेशन निकालना चाहता, पर अब मैं कुछ नहीं कर पाता। अरे लेकिन ऐसे कैसे करिश्मा सिंह, एक काम करते हैं हम उनसे बात करते हैं, ठीक है? मैं अपना गाड़ी में वेट करता। ओके। एक मिनट। जी मैडम सर। आप वहाँ रेस्टोरेंट में अमर के साथ क्या कर रही हैं? मैडम सर वो नहीं, हमें एक बात बताइए, जब एक बार तय हो चुका था कि करीना अमर से मिलेगी तो फिर आपको बीच में दखल अंदाजी देने की जरूरत ही क्या थी?
आप हमारा बात नहीं समझ रही हैं। देखिए, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अब तुरंत वहां से निकलिए और करीना को अपना काम करने दीजिए। जी। थैंक यू। वेलकम। कितनी प्यारी बातें करते हैं। मैंने तो सिर्फ ऑर्डर ही दिया है। हाँ, वही वही मतलब ऑर्डर बहुत प्यारा दिया आपने। वैसे एक बात कहें, किस्मत वाला गौ बंदा जिससे तुम्हारी शादी हुई है, ऐसी हॉट और बवाल भी पाकर वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलता होगा। निकलेंगे तब ना, जब घर आएंगे। क्या? नहीं कुछ नहीं, आप कुछ कह रहे थे। यही कि मैरिड हो मगर क्या कमाल की चीज हो यार, जो देख ले वो ढेर हो जाए। छोड़ो उस गधे को जिससे तुम्हारी शादी हुई है। तुम जैसी सुपर हॉट लड़की के लिए थोड़ी ना शादी वादी बनी है। क्यों किसी लल्लू के पल्लू से बंधकर अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? छोड़ो उस लल्लू लाल को जो तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर बाहर किसी की ड्यूटी निभा रहा है। फिर मारा? इतना सब कुछ होने के बाद भी ये तेवर? खुद ही बुलाकर नखरे दिखा रही हो। अब शाम तक का इंतजार नहीं होगा। मैं DSP से बात करता हूँ, मीडिया बुलाता हूँ और आज तो गिरफ्तारी होगी ही, और आज ही माफी मांगोगी, नहीं तो ये वर्दी भी उतरेगी और उसके साथ उस वर्दी की गर्मी भी।